हाँ जी, तो कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में जो हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, एक वोक्स कंपनी का होम थिएटर है जो कि 7.1 है, तो इसके अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है हमें। रिमोट, सुपर बेस, USB, ओक्स, क्लियर साउंड और FM भी मिलता है इसमें। तो यही सब लिखा है, ओपन करते हैं बॉक्स को और देखते हैं कैसे कैसे स्पीकर्स है और क्या क्वालिटी होने वाली है इसकी। वीडियो में आगे बढ़ते रहिए, आपको सब देखने को मिलेगा इस वीडियो में, पूरा रिव्यू और अनबॉक्सिंग सब मिलेगी इसमें। तो ओपन करते हैं बॉक्स। बॉक्स की क्वालिटी बहुत बेकार आई है, मतलब कि ओपन था पहले से ही, हमने ओपन भी नहीं किया इसको। ऊपर का बॉक्स ओपन किया तो नीचे का ये खुद था ओपन, और ये चारों साइड ये सब चीज़ लिखी हुई है इसमें। MRP इसमें देख सकते हैं आप इसमें कितना MRP लिखा है, पर ये कितने का मिला है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और इसकी यूनिट वगैरह ये सब लिखी हुई है, कितने वोल्टेज पर चलेगा और क्या होगा इसमें, ये सब चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो करते हैं ओपन और देखते हैं क्या कैसे कैसे स्पीकर है इसमें, और वीडियो में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम आपको दिखाएंगे कैसे प्ले होता है। और इतना नहीं वीडियो को लंबा करेंगे हम, जितनी पहले की वीडियो होती है सबकी लंबी। तो सीधा स्पीकर निकाल लिया हमने और आप देखते हैं इसका मेन कैबिनेट जो होता है ये, तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का ये हमारा है और वोक्स कंपनी है। इसमें आगे भी लाइट जलती है, अब लाइट कैसे जलती है वो भी हम देख लेंगे। LED स्क्रीन है, पता नहीं क्या है इसके अंदर, और केबल वगैरह खुले हुए हैं, मतलब ये यूज़ हुआ हुआ है हमारे पास शायद। स्पीकर पैक थे इसके, हम ओपन कर लेते हैं जल्दी से, फिर आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो जल्दी से पहले स्पीकर ओपन कर लेते हैं सारे। तो स्पीकर क्वालिटी तो ठीक ही है, मतलब इतनी खास नहीं है, छोटे छोटे स्पीकर है, 7 स्पीकर है इसमें पूरे, 7.1 जिसको कहते हैं, 1 इसका जो कैबिनेट है ये, और 7 स्पीकर है इसलिए 7.1 है। और इसको मैं प्लग इन करना वगैरह सब दिखा दूंगा आपको। स्पीकर के पीछे एक पावर बटन मिल जाता है हमें, और ये कुछ ऐसे मिल जाते हैं इसमें, 9 मिल जाते हैं पॉइंट, 2 ऊपर के छोड़ देने क्योंकि वो AUX केबल के लिए होते हैं। और स्पीकर लगा के सीधा चेक कर लेंगे हम, तो ऐसे लगेगी स्पीकर। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे स्पीकर को लगाना है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो वाइट वाला है वो हमेशा रेड में लगेगा, जो ब्लैक वाला है वो वाइट में लगा सकते हैं। रिमोट वगैरह आप देख सकते हैं क्या क्या मिला इसके अंदर, पहले हम खोल के देख लेते हैं। एक रिमोट मिल जाता है, रखते हैं इसको साइड में। एक मिल जाता है AUX केबल, और एक केबल हो रहा है, ये पता नहीं किस काम आता है। अगर किसी को पता है ये किस काम आता है तो कमेंट करके बताइए कि ये केबल किस काम आएगा हमारे, वैसे जहाँ तक हमें पता नहीं है। एक केबल मिल जाता है, इसको भी साइड में रखते हैं। पहले रिमोट में देख लेते हैं कौन से सेल लगते हैं इसमें। एक वारंटी पेपर है जिसमें 1 ईयर वारंटी मिल जाती है आपको Amazon की तरफ से, और अगर Flipkart से लेते हैं आप इसी को तो आपको सिर्फ 6 महीने की वारंटी मिलेगी। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप Amazon से लीजिए इसको, और आपको वारंटी मिलेगी। और प्राइस इसका 2500 रुपीज़ है, बॉक्स पे भी मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। Amazon और Flipkart दोनों के लिंक मिल जाएगी। बटन आप देख लीजिए, बेस का ये है ऊपर वाला, नीचे वॉल्यूम का, मोड मिल जाता है प्रीव्यू, नेक्स्ट और प्ले और पोज का। स्क्रीन है इसकी, ये वाइट कलर की है, जलती है इसमें, लाइट होती है इसमें ब्लू कलर की। अब हम देखें क्या जलती है, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लग रहा है। स्पीकर लगाकर सारे ब्लूटूथ, FM और मतलब सारी ये चीज़ है इसमें। तो चलते हैं इसको प्ले करके देखते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। तो NCS का म्यूज़िक प्ले कर देंगे हम इसमें एक, और इसको फिर चला के देखेंगे इसका ब्लूटूथ कनेक्ट करके। और किस नाम से आता है ब्लूटूथ मैं आपको फ़ोन में दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ब्लूटूथ खोल देना है अपने फ़ोन का, और पेयर न्यू डिवाइस करना है। करने के बाद इसमें Apex नाम से आ जाएगा ये, इसमें आप देख सकते हैं अभी तो कुछ और आ रहा है, आ चुका है इसका ये, इसको पेयर करना है, इसी तरह पेयर्ड हो जाएगा जैसे अभी पेयर्ड हो चुका है। अब इसे म्यूजिक प्ले कर देना है सीधा, ¡Gracias!
बहुत है।